everyone, this is Saloni, your IELTS trainer and a motivational speaker. Welcome back to my channel, Sacred English Academy. After so long time, we are again together और अब मैं बात करना चाहूंगी हमारी सीरीज जो ऑलरेडी चल रही थी दैट वॉज रिलेटेड टू द टेंसेस. सो हमारे टेंसेस ऑलरेडी प्रेजेंट इंडेफिनिट तक पहुंच चुके हैं एंड नाउ दिस वीडियो इज रिलेटेड टू द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. अगर किसी ने आप में से प्रेजेंटली या पास्ट के कोई भी टेंस नहीं देखा गो एंड चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड या फिर जाके हमारे चैनल पे जाके हमारी बाकी वीडियोस टेंसेस की चेक करें. यू विल डेफिनेटली फाइंड लॉट ऑफ नॉलेज एंड मेनी रूल्स ऑल्सो यू विल फाइंड देयर ताकि आप अपनी लैंग्वेज को और ज्यादा इम्प्रूव और एनहांस कर सकें. लेट्स बिगिन विद द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सबसे पहले जो हिंदी की पहचान है दैट इज रहा है, रही है एंड रहे हैं. If any sentence which ends with रहा है, रही है and रहे हैं, वो sentences में आपको present continuous के rules लगाने हैं. Now what are the rules of present continuous tense? So present continuous rules की बात करें तो आपको is, am and are का use करना है. अब is किसके साथ करना है, am किसके साथ करना है and are किसके साथ करना है, let's discuss. Is जो होता है वो use होता है singular के साथ. I mean to say he के साथ, she के साथ and it के साथ. उसके बाद आता है am, जो am यूज होता है दैट इज यूज विद द आई. देन कम्स आर, आर यूज होगा वी, यू एंड दे के साथ. मतलब कि जो भी चीजें प्लूरल होती है उन सबके साथ आर यूज होगा. एंड द फॉर्म ऑफ वर्ब जो यूज होगी दैट इज वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी. जब भी कंटिन्यूअस टेंस की बात आती है तो आई एन जी ऑटोमेटिकली ही साथ में आ जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ. So this was all about the present continuous tense. Now I will tell you कि जैसे कि हमने अपनी old videos में मोहन की example ली थी कि मोहन खाना खा रहा है या खा रहा था या खा चुका था. In the same manner अब भी मैं मोहन की ही example लूंगी and मोहन की example को हम इस tense में fix करेंगे. सबसे पहले हमारे सेंटेंस की एंडिंग ऐसे नो कि रहा है ऐसे होनी चाहिए. तो हम मोहन का सेंटेंस बनाएंगे मोहन खाना खा रहा है. अब मोहन खाना खा रहा है सो द इंग्लिश विल बी मोहन इज ईटिंग फूड. जो मोहन है दैट इज अ सब्जेक्ट, इज जो है दैट इज अकॉर्डिंग टू द रूल्स. खाना 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 इज अ वर्ब विच इज वर्ब फर्स्ट फॉर्म विच इज ईट प्लस आई एन जी लग गया उसके साथ एंड लास्ट पे प्लस ऑब्जेक्ट. सो द सेंटेंस इज मोहन इज ईटिंग फूड. देन इज द नेगेटिव सेंटेंस. अब बात करते हैं इसकी नेगेटिव की. अब किसी भी चीज को जब हम नेगेटिव करते हैं मतलब कि नो में चेंज करते हैं या नहीं में चेंज करते हैं सो वी हैव टू यूज नॉट इन द इंग्लिश. अब नॉट हम इज एम आर के साथ लगा देंगे. जैसे कि जो इज था वो इज नॉट बन जाएगा. जो एम है दैट विल बिकम एम नॉट एंड आर जो है दैट विल बिकम आर नॉट. अब इज नॉट एम नॉट इन आर नॉट. सो द सेंटेंस इज अब मोहन खाना नहीं खा रहा है. तो सेंटेंस होगा मोहन इज नॉट ईटिंग फूड. मोहन सब्जेक्ट, इज हमारा रूल एंड नॉट भी हमारा रूल है. बाकी सेम रहेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट. सो दिस इज द नेगेटिव पार्ट और द नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. नाउ लेट्स मूव टू द इंटरोगेटिव पार्ट. अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव की विच मीन्स क्वेश्चन. जब भी हम किसी से सवाल पूछते हैं सो प्रेजेंट कंटिन्यूस में इफ यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन टू समवन तो आप कैसे पूछेंगे. ऑब्वियसली आप क्या को आगे लेके जाएंगे और मोहन पीछे ले जाएंगे जैसे हमने अपनी ओल्ड वीडियोस में वी हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब इन वेरी डिटेल मैनर. सो द सेंटेंस विल बी क्या मोहन खाना खा रहा है. तो इंग्लिश क्या होगी आपको पता है. जस्ट गो एंड चेक आउट अगर किसी ने वीडियोस नहीं देखी देन हाउ टू कन्वर्ट द इंटरोगेटिव, हाउ टू कन्वर्ट द नेगेटिव सेंटेंस इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस. गो एंड चेक आउट ओल्ड वीडियोस आपको क्लियर हो जाएगा. हमें क्रॉस मेथड यूज करना है मतलब कि मोहन पीछे चला जाएगा एंड जो इज या एम या आर जो भी होगा वो आगे आ जाएगा फॉर द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. अब हमारा सेंटेंस है इंटरोगेटिव में क्या मोहन खाना खा रहा है. सो द सेंटेंस इन इंग्लिश शुड बी इज मोहन ईटिंग फूड. इज जो हमारा आगे आ गया मोहन सेकेंड पोजिशन पे चला गया. खाना खा रहा इज वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी ईटिंग एंड द ऑब्जेक्ट इज फूड. सो द फुल सेंटेंस इज मोहन ईटिंग फूड. देन इज इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव.
विच मीन्स कि सवाल भी हो और क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस भी उसमें हो जाए. एंड तो हिंदी क्या होगी हमारी, क्या मोहन खाना नहीं खा रहा है. मतलब यू कैन सी हमारे पास क्या भी है हमारे पास नहीं भी है. सो व्हेनेवर वी गेट एनीथिंग इन दिस मैनर कि क्या भी हो और नहीं भी हो, तो दो सेंटेंसेस आर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव. एंड इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस में व्हाट यू हैव टू डू, हमारा जो आई मीन टू से जो सेंटेंस है इज मोहन, वो सब सेम रहेगा, बस हमने उसमें नॉट लगा देना है. क्योंकि इंटरोगेटिव भी है तो इज मोहन तो सेम ही रहेगा ऑब्वियसली, अब बीच में नॉट भी आ जाएगा. सो हिंदी में सेंटेंस बनता है क्या मोहन खाना नहीं खा रहा है. सो द इंग्लिश विल बी इज मोहन नॉट ईटिंग फूड. इज रूल्स, मोहन इज द सब्जेक्ट. आपको याद रखना है कि नॉट लगाना कहाँ है, नॉट इमीडिएटली आफ्टर द सब्जेक्ट लगाना है. मतलब कि बिल्कुल सब्जेक्ट के बाद ही आपको इमीडिएटली नॉट लगाना है, मोहन के बाद. इज मोहन नॉट ईटिंग फूड, ईटिंग फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी. सो दीज आर द फोर लाइक कैटेगरी जिसमें मैंने इस टेंस को डिवाइड किया है इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड इन अ वेरी प्रॉपर एंड इन अ गुड मैनर. आई होप आप सबको समझ लग गई होगी कि कैसे हम रहा है वाले सेंटेंसेस कन्वर्ट करते हैं या बनाते हैं और कैसे इसके प्रेजेंट कंटिन्यू में रूल्स लगते हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. होप यू अंडरस्टैंड एंड एंजॉय द वीडियो. कीप लाइकिंग द वीडियो, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स हु आर एक्चुअली वीक इन द इंग्लिश लैंग्वेज. उनके साथ शेयर करें और उन सबको बताएं कि कैसे आप अपनी लैंग्वेज को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और अपग्रेड कर सकते हैं. So don't forget to subscribe my channel, like the video, share it with all your friends. Bye-bye.